रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है वह महंगाई के कारण ख़त्म हो गई है। तो ऐसी हालत में अगर हम किसान को अन्न की, उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूँ, पहले अमेरिका में यही किया गया जब वहाँ पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का ना होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाती है। मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ इंतज़ाम किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। ख़ास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात को बतलाता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके हुक्म से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है, और उनका झुकाव ना होने के कारण उन्होंने उसे उस हद तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती
कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है।